ये बाहर का बाजू से कुछ खुफिया स्टेप्स है, वो भी शायद अंदर जा रही है, देख है ना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू गुजरात ऑन माय थर्ड डे। पैकअप हो गया, अभी जस्ट बड़ौदा से निकल रहे हैं टूवर्ड्स अहमदाबाद, और 2 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं है। चलते चलते फट करके 2 घंटे कभी जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा, तो देखते हैं अभी अहमदाबाद में क्या हालत है। ज़्यादा इंटरेस्ट है खुद पे पतंग उड़ाने के लिए, वो भी टेरेस पे लोगों के साथ में, जलेबी फाफड़ा के साथ में। देखकर कोशिश तो कर रहा हूँ, किसी को बोल के रखा है मैंने, बट जरा सी तो मिलते हैं फिर। GSRCTC की बस है, वोल्वो बस, ओनली 200 रुपीज़। यहाँ से हम निकलेंगे, 2 घंटे में पहुँचने वाले हैं अहमदाबाद। सुपर जर्नी होने वाली है, कुछ तकलीफ नहीं है अभी तक तो लग रहा है, बस एकदम बढ़िया है। पहुँच जाए अभी होटल वोल्गा, मुंबई से बुकिंग किया था, अभी जस्ट रूम देखते कैसे है। होटल तो वैसे ठीक है, लेकिन एक एडवांटेज है कि पूरी जो मेन अहमदाबाद के प्लेसेस है एकदम नज़दीक में ही है। टीवी एंड टेबल, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है। टीम बच चुके हैं, जस्ट खाना खाए और अभी निकला है, थोड़ा लोकल साइटिंग करा लिया। पहले जाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे पहले भाई साहब? हाँ, गांधी आश्रम, बापू जी का आश्रम देखेंगे। हर तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ चरखा देखे वहाँ पे, और अभी मैं हूँ साबरमती रिवर। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ पे गांधी जी अपना टेबल पे बैठ के यहाँ पे कामकाज करते थे। एक्चुअल उनका जो टेबल है, डेस्क है, वो अभी तक वहीं पे है, और ये चरखा भी है। ये भी चरखा ही है क्या? छोटा वाला। ये बापू जी ने यूज़ किए हुए सब साधन है, इसको बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पून है, बाउल है, चाइना क्ले बाउल। लास्ट डे है अहमदाबाद का, और आज रात को गाड़ी भी पकड़नी है, और अभी चेकअप कर रहा हूँ मैं, और बाहर जा रहे हैं। उसके पहले वंस अगेन वेलकम टू माई गुजरात टूर एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अभी और 2-3 स्पॉट कर रहे हैं, उसके बाद में बस बने रहिए, नाश्ता करके चाय पी के निकल जाएंगे। 9:15 हो चुके हैं, हम लोगों ने अभी जस्ट होटल चेकआउट किया है, सामान वहीं पे रखा है ऑफकोर्स, बिकॉज लोकल साइड सीन जो भी करनी है वो करा के फिर वापस दोपहर को होटल में ही आना है। और आज रात का गाड़ी भी है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है, 10:40 की गाड़ी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेपवेल, अगला स्टेपवेल, जो शायद आपने देखा रहेगा, जो शाहरुख खान का जो पिक्चर थी अपना, इसके क्या उसका नाम है, रईस पिक्चर में जो उसका कुछ शूट हो चुका है, तो एक्चुअल हम लोग अभी जाके देखेंगे। और उसके बाद में भी और एक 2 स्पॉट है, पहले जाके देख के ही, लेकिन उसके पहले भूख बहुत लगी है, चाय भी पियेंगे सबरे से, पहले चाय नाश्ता कर लेते और फिर आगे बढ़ते हैं। अटलज वाओ, अभी जस्ट एंट्री की है, 25 रुपीज़ टिकट है पर पर्सन, और इंडियंस फॉरेनर्स के लिए अलग रेट है। ये है एक्चुअली वाओ, यानी कि बावड़ी। वेल, ये संबंध 1555 में बनाए थे बावड़ी, 1555। अच्छा, जो राजा वीर सिंह वाघेला और उनकी पत्नी बड़ा बैठे बनाया। ओके, जब दुष्कार पड़ा तो मैं ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए स्टेपवेल बनाया।
यहाँ से तीन एंट्री है, एक दो तीन, तीन एंट्री से लोग आते जाते हैं। जो पूरी इमारत है, पूरी इमारत इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का रहते हैं, मिक्स हिंदू ने बनाया गया और मुसलमान ने भी, तो आप हिंदू की कारण देख सकते हो और मुसलमान के, आप यहाँ से ऊपर देखें तो ऊपर देख रहे हैं मुसलमान के मीनार से, ये तीन है ना, ये तीन रास्ते है ना, आप यहाँ से ऊपर देखें तो ऊपर मुसलमान के मीनार, उसके नीचे देखिए जो अपने अशोक के जो पेड़ के पत्ते आते हैं, अच्छा अच्छा ये मीनार है, ये मुसलमान पर हाथी घोड़े हैं आदमी है, तो ऐसे हिंदू और मुस्लिम दोनों का भी अंदर मिक्स है। ओके, जो पूरी इमारत है इंटरलॉक से बनाया गया, इसमें नो सीमेंट, इंटरलॉक है, इंटरलॉक है, पहले जमाने का सीमेंट था नहीं तो इंटरलॉक से बनाया गया है। ओके, जो पूरी पांच मंजिल की बावड़ी है उसमें दो कुआ है, एक कुआ खेती की सिंचाई के लिए, पशु पक्षी के लिए और मनुष्य के लिए, ऐसे राजा ने धोबल बनाया गया। अब मैं आया हूँ कठवाड़ा, जो कि अहमदाबाद से करीबन 12 या 13 किलोमीटर है, और यहाँ की स्पेशल ये है कि यहाँ पे विंटेज कार शोरूम है, वर्ल्ड विंटेज कार शोरूम, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे विंटेज जो ओल्ड मॉडल्स है वो अभी देखने मिलने वाले शायद। टिकट ले ली है अभी, 100 रुपीज़ टिकट है, और विंटेज कार अगर राइड चाहिए तो 1000 रुपीज़ पर कार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चार आदमी वहाँ पे जा सकते हैं, वो 3-4 किलोमीटर का राइड रहता है, आप गाड़ी सेलेक्ट करनी है और आपको राइड भी यहाँ पे की जाती है, अच्छा एक्सपीरियंस है। बट अभी अनफॉर्चुनेटली हम लोग दोनों ही हैं और हमको जाना भी है, सो अभी देखते हैं अंदर जाने के बाद में कितना टाइम लगने वाला है, उसके बाद में डिसाइड करते हैं राइड लेनी है या नहीं लेनी है। सर 100 विंटेज कार देखे, ऑल ओवर वर्ल्ड से लेके बड़ी बड़ी अलग अलग कंपनियां थी वहाँ पे, और हाइट सबसे बड़ा सरप्राइजिंग है कि इसका एक ही ओनर है, पटेल भाई करके है और अहमदाबाद के स्थाई का वो, और इतनी गाड़ियाँ एक आदमी के पास। और मैं अभी अहमदाबाद स्टेशन पर आया हूँ रिटर्न जर्नी के लिए, दुरंतो एक्सप्रेस मेरी ट्रेन है राजकोट से जाई हुई है, अभी यहाँ पे 11:35 का टाइमिंग है, लेकिन गाड़ी आई है यहाँ पे 11:10 को आई, 11:10 को ये आया हुआ, ये राइट टाइम एकदम गाड़ी है, और अभी हम लोग चल रहे हैं मुंबई की ओर, और मेरे ख्याल से आज का दिन तो मेरा बहुत बढ़िया गया, सो बेस्ट ऑफ टू अहमदाबाद, और नाउ डेफिनेटली ये यादें मैं बाहर लेके जाऊँगा, मेरे घर तक लेके जाऊँगा, नाउ मैं रिटर्न जर्नी में जा रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। और ये अगर ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है डेफिनेटली इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।